सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। दवा करोगे कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आप सिर्फ गूगल पे लिख दो। मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो कि येस बैंक प्रॉब्लम्स या फिर येस बैंक फ्रॉड, या अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया है क्या, अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, एक अच्छी साइट से, तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये बैंक क्यों डूबा? येस बैंक ने अनिल अंबानी जी को ही 500 करोड़ का शायद एक लोन दिया हुआ था, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था। अंबानी जी का नाम बहुत अच्छा है तो अनिल अंबानी जी को मिल गया 500 करोड़ का लोन दिया हुआ, तो वो पूरा का पूरा इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। अनिल अंबानी जी कहें कि इनडायरेक्ट बेसिस को लेकर डूबे, तो खुद तो डूबे, इसको भी लेके डूबे। रियलिटी थोड़ी बहुत जो मार्केट से रिलेटेड है वो बता रहा हूं। येस बैंक अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनैलिटी इज गुड।